और सौरभ देवनाथ, सौरभ देवनाथ के साथ मैं एक बार बॉलीवुड पर से। अब बताए सौरभ क्या पूछना था? तो आप चुके होते बहुत अच्छा, मैं ना कोई भी अच्छी चीज़ जो मुझे प्यार से बोली जाती है ना उससे नहीं थकता। मुझे अच्छाई प्यार मुझे बहुत पसंद है, जितना मुझे मिलता है मैं और लेता हूँ। आई लव इट। I think after a lot of research shows, like in the Kardashians, shows like that we are getting finally behind the scenes of real life of a television couple. I think it's going to be exciting. I want to see how fans will react. It's more exciting because Deepika and Deepika are in real life behind the camera. How they are, how they are, how they are without makeup, how they are. It's a very exciting thing. जहाँ नेगेटिव रिव्यूज आएंगे उसके साथ साथ नई ऑडियंस भी आएगी, नई एक्साइटिंग चीज़ें भी होंगी और फन भी होगी। अगर इसके पहले मैं बाद में पकड़ लेता हूँ रागिनी एम एम एस ये सारे रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। एक्सट्रीमली वेल, आई एम सो हैप्पी फॉर यस सिद्धार्थ, आई एम सो हैप्पी सिद्धार्थ, आई एम सो हैप्पी फॉर करिश्मा, आई एम रियली हैप्पी फॉर ऑल बिकॉज द काइंड ऑफ स्टफ दे आर डूइंग राइट नाउ इट्स क्वाइट क्वाइट एक्साइटिंग। इन टर्म्स ऑफ न्यू स्टफ, यस एवरीवन ऑलरेडी नोज़ एक का अनाउंसमेंट, पंचबीट आ रहा है, पंचबीट आ रहा है, पंचबीट आ रहा है। It is the biggest show all and Osprey is doing together so far, and it is of a huge magnitude. The vision is so big. मतलब बहुत लोगों को फिल्मों वालों को कॉम्प्लेक्स होने वाला है, पर मज़ा आएगा। मुझे इस बात की एक्साइटमेंट है कि एक बहुत ही सिंपल स्टोरी, बहुत ही अच्छे विजन, बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से सुनाई जाएगी। मुझे यार अच्छा एक्साइटिंग है। वेरी एक्साइटिंग शो। माई नेक्स्ट सीजन ऑफ क्लास परफॉर्मेंस, उसके अलावा देयर इज सम स्टफ दैट आई हैव टू बी सेलिब्रेट, बट यू हैव टू जस्ट वेट फॉर द अनाउंसमेंट टू हैपन। मैं अपने आप बोलूंगा कि चैनल देगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज विकास गुप्ता एंड आप देख रहे हैं बॉलीवुड बस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कॉन्टेंट की देखते रहें, बहुत मजा आने वाला है।